और इस बीच बिहार के मधेपुरा में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है और इस दौरान एक दूसरे पर कुर्सियां फेंककर मारपीट को अंजाम दिया गया। कोई कुर्सी उठाकर वार कर रहा था तो कोई दूसरी तरफ कुर्सी की ओट में छिपकर बचने की कोशिश में जुटा था। इतने से मन नहीं भरा तो हाथापाई भी होने लगी। जंग का मैदान तब बना जब मधेपुरे के मुरलीगंज में जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग कराई जा रही थी। इस बीच दो गुट के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर मतदान में धांधली का आरोप लगा दिया, जिसके बाद मौके पर महाभारत का मंजर दिखाई देने लगा। मतदान की जगह रण क्षेत्र बन गया और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक कर वार किया जाने लगा। इस मारपीट में घायल लोगों का मुरलीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की खबर आते ही इसराइल भी हरकत में आ गया। पता चला है कि एरो 4 नाम का डिफेंस सिस्टम तैयार करने के प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया गया है, जिसके जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इसराइल को रोका जा सकेगा। अब तक इसराइल के पास छोटे रॉकेट और छोटी मिसाइलें रोकने का इंतजाम तो है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल रोकना उसके आयरन डोम के बस की बात नहीं है। एक दिन पहले ही ईरान ने ऐसा दावा किया था कि इसराइल और अमेरिका दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।